इंडियन प्रीमियर लीग का ये सीजन SRH के लिए अच्छा नहीं जा रहा। टीम को अब तक खेले दोनों ही मुकाबलों में हार का मुंह देखने को मिला, जिसके बाद फैंस खराब टीम बनाने के लिए टीम मालिकों को जमकर कोस रहे हैं। तो वहीं टीम की को ऑनर काव्या मारन को दुखी देखकर फैंस और निराश हैं। हालांकि वो उन पर भी खराब टीम बनाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक खिलाड़ी ऐसा भी है जिसे अपने खेल की वजह से हर मैच में इनाम तो मिल रहा है, फिर भी हर जगह उसे ट्रोल होना पड़ रहा है। हैदराबाद ने इस सीजन की टीम बनाने से पहले सिर्फ 3 खिलाड़ियों को रिटेन किया था, लेकिन उनकी इस रिटेन लिस्ट में टीम को एक बार IPL का चैंपियन बनाने वाले डेविड वार्नर का नाम नहीं था, जिससे हैदराबाद के फैंस काफी निराश हुए। रिटेन हुए खिलाड़ियों की इस लिस्ट में उमरान मलिक का नाम था, जो अपनी तेज गति की वजह से जाने जाते हैं। उमरान के पास गति तो काफी ज्यादा है, लेकिन उनकी खराब लाइन लेंथ की वजह से काफी पिटाई भी खानी पड़ती है। सोमवार को लखनऊ के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उमरान टीम के सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने महज 3 ओवर में ही 39 रन लुटा दिए, जो टीम पर काफी भारी पड़े। 13 रन प्रति ओवर पिटवाने वाले उमरान को मैच खत्म होने के बाद फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, और इसी बात पर फैंस उनको जमकर ट्रोल कर रहे हैं।